Hello students, today I am going to discuss with you an important topic, biomedical waste management. So first we will see the definition of biomedical waste or hospital waste. तो hospital waste क्या है? Waste generated from hospital, कोई भी waste जो generate होता है hospital में, ठीक है ना, उसको बोलते हैं hospital or biomedical waste, ठीक है ना. और वेस्ट प्रोड्यूस इन द कोर्स ऑफ हेल्थ केयर एक्टिविटीज़, कोई भी वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है इन द कोर्स ऑफ हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ लाइक कि ट्रीटिंग, ठीक है ना, डायग्नोजिंग और इम्यूनाइजिंग ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स एंड ऑल्सो वाइल्ड डूइंग स्टडी और रिसर्च एक्टिविटीज़, ठीक है ना. और सिंपली क्या है कि हॉस्पिटल वेस्ट क्या है? वेस्ट, कोई भी वेस्ट जो जनरेट होता है हॉस्पिटल में, जो जनरेट होता है हॉस्पिटल से, उसको बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है ना. तो कौन कौन से लाइक वेस्ट हैं? लाइक शार्प नीडल्स होती हैं, ठीक है ना, ग्लव्स होते हैं, आईवी ट्यूबिंग्स होती हैं, ठीक है ना, ब्लेड्स होते हैं, कॉटन होता है, बैंडेजेस होते हैं, ठीक है ना, स्वेब्स होते हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है ना. तो इसमें क्या है, हॉस्पिटल वेस्ट में क्या है कि 75-90% क्या होते हैं, नॉन हजार्ड्स, मतलब वो हार्मफुल नहीं होते, वो डेंजरस नहीं होते, उसमें क्या आते हैं, जनरल वेस्ट, ठीक है ना. और 10-15% होते हैं हजार्ड्स, मतलब कि वो हार्मफुल होते हैं, ठीक है ना, वो डेंजरस होते हैं फॉर ह्यूमन बींग्स एंड ऑल्सो फॉर एनवायरमेंट. नेक्स्ट वो विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. सो फर्स्ट वन इज़ जनरल वेस्ट, ठीक है ना. जनरल वेस्ट जो है वो नॉन हजार्ड्स हैं, ठीक है ना, वो हार्मफुल नहीं होता, वो डेंजरस नहीं होता है, ठीक है ना, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे, ठीक है ना. उसमें क्या आते हैं, लाइक कि पेपर्स होते हैं या सिरिंज कवर्स होते हैं, ठीक है ना, रेपर होते हैं, ठीक है ना, या किचन लाइक वेस्ट होते हैं, वाटर बॉटल्स होते हैं, ठीक है ना. या गया जनरल वेस्ट, ठीक है ना. नेक्स्ट वन इज़ पैथोलॉजिकल वेस्ट. तो पैथोलॉजिकल वेस्ट में क्या है, ह्यूमन टिश्यूज़ और फ्लूड्स, ठीक है ना, कोई भी बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना, ब्लड, बॉडी फ्लूड्स एट्सेट्रा, ठीक है ना. नेक्स्ट वन इज शार्प्स. तो शार्प वेस्ट में क्या आते हैं, नीडल्स, ठीक है ना, स्कैल्प्स, ठीक है ना, नाइव्स, ब्लेड्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज इन्फेक्शियस वेस्ट. तो जो इन्फेक्शियस वेस्ट हैं ये ट्रांसमिट करते हैं बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक डिजीज टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना. और इसमें क्या है, वेस्ट सस्पेक्टेड टू कंटेन पैथोजेंस, ठीक है ना. तो जो इन्फेक्शियस वेस्ट हैं ये डिजीज काज कर सकता है, ठीक है ना. तो इसमें क्या क्या आते हैं, लाइक वेस्ट फ्रॉम एटॉप्सी, ठीक है ना, जब एटॉप्सी करते हैं उसमें जो वेस्ट निकलता है, ठीक है ना, और स्वेब्स, बंडेज, ठीक है ना, डिस्पोजेबल मेडिकल डिवाइस या कल्चर्स ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स फ्रॉम लेबॉरेटरी, ठीक है ना. नेक्स्ट वन इज केमिकल वेस्ट. तो केमिकल वेस्ट में क्या आते हैं, लेबॉरेटरी रिएजेंट्स हैं, ठीक है ना, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, फिल्म डेवलपर्स हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट वन इज रेडियो एक्टिव वेस्ट. तो रेडियो एक्टिव वेस्ट में क्या है, अनयूज्ड लिक्विड फ्रॉम रेडियोथेरेपी और लैब रिसर्च, कंटेमिनेटेड ग्लासवेयर्स एट्सेट्रा. सेवन्थ वन इज फार्माक्यूटिकल वेस्ट, ठीक है ना. फार्माक्यूटिकल वेस्ट में कोई भी एक्सपायर्ड और आउटडेटेड ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट वन इज प्रेशराइज्ड कंटेनर्स में क्या हैं, गैस सिलेंडर्स हैं, ठीक है ना, एरोसोल कैंस हैं एक्स्ट्रा. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज जीनोटॉक्सिक वेस्ट, वेस्ट कंटेनिंग साइटोटॉक्सिक ड्रग्स. सो यह की क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, लाइक फार्माक्यूटिकल वेस्ट है, यहाँ पे पैथोलॉजिकल वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है ना, प्रेशराइज्ड कंटेनर्स, जीनोटॉक्सिक वेस्ट, ठीक है ना, वेस्ट कंटेनिंग हेवी मेटल्स, ठीक है ना, लाइक के ब्रोकन मर्करी थर्मामीटर्स आती हैं, बैटरीज आती हैं, ठीक है ना. तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस स्टेप्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. तो इसमें क्या है कि पहला स्टेप क्या है, सर्वे ऑफ वेस्ट जनरेटेड, ठीक है ना. नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट. उसके बाद कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट. उसके बाद क्या है,
स्टोरेज ऑफ वेस्ट, नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, एंड लास्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। मतलब कि पहले क्या है कि पहले वेस्ट की सर्वे करते हैं, वेस्ट कहाँ पे जनरेट होता है, उसके बाद उसकी सेग्रीगेशन होती है, ठीक है ना, उसके बाद उसकी कलेक्शन होती है, कैटेगराइजेशन होती है, उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है, उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है ना, और लास्ट में उसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो वेस्ट सर्वे में क्या है, वेस्ट सर्वे में क्या है कि कितनी क्वांटिटी में वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है ना, कहाँ पे जो वेस्ट जनरेट होता है, किस जगह पे वेस्ट, हॉस्पिटल में कहाँ किस जगह पे वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है ना, और किस टाइप का वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है ना, उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं द टाइप्स ऑफ वेस्ट एंड डिटरमाइन द लेवल ऑफ जनरेशन एंड डिसइन्फेक्शन विद इन द हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो आ गया वेस्ट सर्वे। आफ्टर वेस्ट सर्वे क्या है, वेस्ट की सेग्रीगेशन होती है, मतलब कि वेस्ट को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट को अलग अलग करते हैं, मतलब कि जो नॉन हजार्स वेस्ट हैं वो अलग रखते हैं, ठीक है ना, हजार्स वेस्ट में जो फार्माक्यूटिकल वेस्ट हैं, ठीक है ना, वो अलग रखते हैं, इन्फेक्शस वेस्ट वो अलग रखते हैं, ठीक है ना, अलग अलग करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट को रखते हैं। क्यों? ताकि उससे क्या हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग रिड्यूस होता है, ठीक है ना, रिस्क रिड्यूस होता है, ठीक है ना, एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कम होता है, ठीक है ना। और जो सेग्रीगेशन है ये क्रूशल स्टेप होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो सेग्रीगेशन में क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग रखते हैं, ठीक है ना। क्यों? टू रिड्यूस द रिस्क एज वेल एज कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजल। तो सेग्रीगेशन में क्या है, डिफरेंट कलर कोडिंग्स हैं, ठीक है ना, जो भी हॉस्पिटल में बिन्स होते हैं, डस्टबिन्स होते हैं, बैग्स होते हैं, उनमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, आपने देखा वो उधर वो जो डेंस सॉरी बिन्स हैं उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, जिसमें हम वेस्ट को, हॉस्पिटल वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग रखते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट कलर कोड्स क्या है, येलो है, रेड है, व्हाइट है, ब्लू है एंड ब्लैक है, ठीक है ना। तो जो येलो कंटेनर है, येलो बैग है, ठीक है ना, उसमें क्या क्या रखते हैं, उसमें आपका आता है माइक्रो बायोलॉजिकल वेस्ट, ठीक है ना, एनाटॉमिकल वेस्ट, उसमें आ गया प्लेसेंटा, अपेंडिक्स, ठीक है ना, इन्फेक्शस वेस्ट, कॉटन क्लॉथ्स कंटेमिनेटेड विद ब्लड, पासर बॉडी फ्लूस, ठीक है ना, बंडेज, गाज, ड्रेसिंग, ठीक है ना, एनिमल वेस्ट, ठीक है ना, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड ड्रग्स। तो ये सारे जो हैं ये किस में आते हैं, येलो बिन्स में, ठीक है ना। नेक्स्ट है रेड। तो रेड में क्या रखते हैं, रेड में कौन से आते हैं, सिरेंज विदाउट नीडल, सिरेंज जो होते हैं नीडल के बगैर जो सिरेंज होते हैं उनको रखते हैं, ठीक है ना, आईवी सेट्स, कैथेटर्स, ग्लव्स, ठीक है ना, यूरिन बैग्स, ठीक है ना, डायलिसिस किट, आईवी कैथेटर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट इज वाइट, जो ट्रांसल्यूसेंट होता है, ठीक है ना, तो इसमें क्या रखते हैं, इसमें क्या आते हैं, नीडल्स, ठीक है ना, ब्लेड, जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्कैल्प्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है ब्लू, तो ब्लू में क्या आते हैं, ग्लास वेयर्स, लाइक ब्रोकन ग्लास जो होते हैं, एम्प्यूल जो होती हैं, ठीक है ना, लेब स्लाइड्स होती हैं, वो ब्लू में रखते हैं। लास्ट वन इज ब्लैक कंटेनर, ठीक है ना। तो ब्लैक कंटेनर में क्या आता है, जनरल वेस्ट, ठीक है ना, जो भी हॉस्टल में जो जनरल वेस्ट होता है, पेपर होते हैं, ठीक है ना, सिरेंज कवर्स होते हैं, ठीक है ना, रेपर्स होते हैं, ठीक है ना, या किचन लाइक वेस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट कलर ऑफ कलर कोडिंग्स, कलर सेग्रीगेट जो करते हैं हॉस्टल वेस्ट, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिन्स होते हैं, ठीक है ना, उनकी डिफरेंट कलर कोडिंग्स होती हैं, उसमें क्या है कि येलो आता है, रेड आता है, ठीक है ना, वाइट, ब्लू एंड ब्लैक। उसके बाद लेबलिंग करनी होती है, कंटेनर्स की लेबल होती है, ठीक है ना, वो तो जो बायोहजार्ड सिंबल होती है उससे क्या इंडिकेट होता है, नेचर ऑफ वेस्ट टू द प्ले नेचर ऑफ वेस्ट टू द पेशेंट एंड पब्लिक। तो जो बिन्स हैं, ठीक है ना, उनमें क्या है कि उसमें बायो हजार्ड
सिंपल होनी चाहिए। उसे क्या होता है, इंडिकेट होता है नेचर ऑफ वेस्ट टू द पेशेंट एंड पब्लिक, ठीक है ना। और जो लेबल है वो नॉन वॉशेबल होनी चाहिए एंड प्रोमिनेंटली विजिबल। उसके बाद क्या है, सेग्रीगेशन के बाद क्या है कि जो वेस्ट है उसको उसकी कलेक्शन होती है, ठीक है ना। डिफरेंट कंटेनर्स में वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन होती है, ठीक है ना। कंटेनर्स जो होते हैं वो हमने प्लेस करने हैं इन सच ए वे ताकि जो 100% कलेक्शन अचीव हो सकते हैं, ठीक है ना। हमने क्या करना, हमने कंटेनर्स इस हिसाब से प्लेस करें ताकि जो वेस्ट है वो सारा बिन्स में, वो मतलब कि सारा कलेक्ट हो सके, ठीक है ना। जो शार्प वेस्ट हैं, जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, वो हमने क्या करना है, वो पंक्चर प्रूफ कंटेनर्स में रखना होता है, ठीक है ना। टू अवॉइड इंजरीज एंड इन्फेक्शंस टू द वेस्ट हैंडलर्स, जो वेस्ट हैंडलर्स होते हैं, ठीक है ना, उनको इंजरी से बचने के लिए और इन्फेक्शन से बचने के लिए जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्लेड्स हैं, ठीक है ना, वो पंक्चर प्रूफ कंटेनर में रखने होते हैं, ठीक है ना। बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी हैंडल्ड प्रॉपरली, तो जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसको प्रॉपरली हैंडल करना है, ठीक है ना, बाय यूजिंग यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। यूनिवर्सल मतलब ये ग्लाव्स, ठीक है ना, ग्लाव्स पहनना है, ठीक है ना, एपरन्स, ठीक है ना, प्लास्टिक एपरन्स, ठीक है ना, मास्क कैप, ठीक है ना, टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो आफ्टर सेग्रीगेशन क्या है, वेस्ट को कलेक्शन, वेस्ट की कलेक्शन करते हैं, ठीक है ना, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, ठीक है ना। जो शार्प्स हैं, शार्प्स हमने क्या रखने हैं, पंक्चर प्रूफ कंटेनर्स में, टू अवॉइड इंजरीज एंड इन्फेक्शन टू द वेस्ट हैंडलर। और हमने जो है जब वेस्ट को हैंडल करते हैं, ठीक है ना, वो हमने प्रॉपरली हैंडल करना है, ठीक है ना, एंड यूज़ करना हमने यूनिवर्सल प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना। आफ्टर कलेक्शन क्या है, वेस्ट की स्टोरेज करनी है, ठीक है ना, वेस्ट को स्टोर किया जाता है। तो वेस्ट की स्टोरेज क्या है कि इसमें क्या है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो स्टोर करना है ना प्रॉपर प्लेस, ठीक है ना। सेग्रीगेटेड वेस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज नीड टू बी कलेक्टेड इन आइडेंटिफेबल कंटेनर्स, ठीक है ना। और जो हॉस्पिटल वेस्ट है वो हम रख सकते हैं 8 to 10 आवर्स इन बिग हॉस्पिटल, ठीक है ना। तो जो हॉस्पिटल जो वेस्ट है वो हम स्टोर रख सकते हैं, वो हम स्टोर कर सकते हैं इन बिग हॉस्पिटल्स 8 to 10 आवर्स एंड 24 आवर्स इन नर्सिंग होम्स, ठीक है ना। और जो कंटेनर्स है उनमें ईच कंटेनर शुड बी क्लियरली लेबल, ठीक है ना, टू शो द वार्ड वायर इट इज कैप्ट। तो स्टोरेज में क्या है कि जो वेस्ट है, आफ्टर कलेक्शन क्या है कि जो वेस्ट है उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। और जो स्टोरेज स्टोर किया जाता है ना प्रॉपर प्लेस, ठीक है ना। और ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज शुड नॉट एक्सीड, हम 8 to 10 आवर्स तक रख सकते हैं, उसके बाद हम स्टोर नहीं कर सकते हैं हॉस्पिटल वेस्ट, ठीक है ना। आफ्टर स्टोरेज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, जो हॉस्पिटल वेस्ट है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय व्हील ट्रॉलीज और कंटेनर्स कार्स, ठीक है ना, व्हील बैरोज, ठीक है ना। इसमें क्या है कि जो हॉस्पिटल वेस्ट है ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि मैनुअल लोडिंग शुड बी अवॉइडेड, मैनुअली हमने जो वेस्ट है वो लोड नहीं करना है, ठीक है ना। द कंटेनर शुड बी टाइड बिफोर, जो भी बैग होगा, कंटेनर होगा, ठीक है ना, जिसमें वेस्ट होगा उसको हमने टाई करना है, उसको हमने बंद करना है, ठीक है ना। कंटेनर शुड बी अकम्पेनिड विद अ साइन डॉक्यूमेंट बाय नर्स और डॉक्टर मेंशनिंग डेट, शिफ्ट, क्वांटिटी एंड डेस्टिनेशन, ठीक है ना। तो आफ्टर कलेक्शन क्या है कि आफ्टर स्टोरेज क्या है कि वेस्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वेस्ट की ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन किस कैसे होती है, ट्रांसपोर्ट बाय व्हील ट्रॉलीज, कंटेनर्स, कार्स, ठीक है ना। और जो ट्रॉलीज होती हैं, कंटेनर्स होती हैं,
दे शुड बी इजीली टू लोड एंड अनलोड, ठीक है ना। और उसमें शार्प एजेस नहीं होनी चाहिए, वो इजी टू क्लीन होना चाहिए, और उसको डिसइन्फेक्टेंट डेली करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आया, सो स्टेप्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट भी क्या था, पहले हमने सर्वे करनी है, ठीक है ना, सर्वे ऑफ वेस्ट, ठीक है ना, कहाँ पे वेस्ट जनरेट होता है उसकी सर्वे करनी है। उसके बाद सेग्रीगेशन होती है, ठीक है ना, सेग्रीगेशन में मतलब कि अलग अलग रखना है डिफरेंट वेस्ट को, ठीक है ना। उसके बाद उसकी कलेक्शन होती है, कैटेगराइजेशन होती है, ठीक है ना। कलेक्शन जब किया उसके बाद वेस्ट को स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट की ट्रांसपोर्टेशन होती है। लास्ट में उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना, वेस्ट को ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। सो हेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज अवे फ्रॉम पेशेंट केयर यूनिट्स, ठीक है ना। और वायर ट्रांसपोर्टिंग क्या करना है, क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल प्रिकॉशन, मतलब कि ग्लव्स पहने, ठीक है ना, फेस मास्क पहनी है, प्लास्टिक अपेरेंस, ठीक है ना, शूज, कैप, ठीक है ना। सो ओके, थैंक यू। सो इस वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया डेफिनेशन, ठीक है ना, डेफिनेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन, उसके बाद स्टेप्स ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट एंड नर्सेज रोल। ओके, थैंक यू।